बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। स्प्रेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 10 ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। तो जिसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है वो 10 ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा है। तो इसको सबसे पहले तो हम 10 हम लोग जानते हैं कि साइन अपान कॉस होता है, तो इसको साइन अपान कॉस लिख देंगे, लेकिन जो भी एंगल है यानी अल्फा प्लस आई बीटा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अगर मैं इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है जैसे कि, तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हटाना पड़ेगा, उसको रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए इसके जो कंजुगेट है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा प्लस आई बीटा है, तो इसका कंजुगेट अगर फाइंड करना है तो बस हमें आई के साइन को चेंज करना होगा। अगर यहाँ पर प्लस का आई है तो माइनस आई करना होगा, बाकी चीज़ें नो चेंज। अब यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ पर 2 हो तो 2 का इसलिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये तो हम न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी को अप्लाई करना होगा वो ये है डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी के लिए फार्मूला, 2 दोनों कॉस हैं, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी में दोनों कॉस ही आएंगे, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वो चल रहा था उसको लिख लेते हैं 10 ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, और राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर में इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो पहले साइन आएगा और उसमें एंगल जो पहले से मौजूद हैं वो ऐड होंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो अल्फा प्लस आई बीटा और इसमें प्लस हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा। इसी तरीके से फिर ये प्लस का साइन आएगा और साइन फिर एंगल माइनस हो जाएंगे, अल्फा प्लस आई बीटा में से माइनस कर देंगे अल्फा माइनस आई बीटा। ऐसे यहाँ पर होगा ये कॉस ऑफ लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस आई बीटा में प्लस हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और फिर माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा और माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब ब्रैकेट जब यहाँ पर ओपन करेंगे हम, यानी इन ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम, तो ये सिचुएशन हो जाएगी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और ऐसे ही यहाँ पर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये ब्रैकेट चूँकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस का आई बीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा और प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ऐसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस आई बीटा हो जाएगा, तो आई बीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई बीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा से अल्फ़ा भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 2 अल्फ़ा और प्लस साइन ऑफ 2 आई बीटा। अब ये लिखा जा सकता है कॉस यहाँ पर बचेगा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस का कॉस 2 आई बीटा। अब हम यहाँ पर कुछ फार्मूले बता रहे हैं, जैसे कि न्यूमरेटर में इसके लिए साइन आई जेड का फार्मूला होता है, आई जो आई बाहर आ जाएगा और साथ में ये जो सर्कुलर फंक्शन है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन आई जेड आई हट के यहाँ से यह हाइपरबोलिक में बदल जाएगा, आई के बाद जो भी एंगल में होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और कॉस के लिए भी आइडेंटिटी होती है, कॉस आई जेड के लिए कॉस में हम लोग जानते हैं अगर आई हटाएंगे तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन दोनों आइडेंटिटी को, इस आइडेंटिटी को न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में अप्लाई करने पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था यानी 10 ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये साइन 2 अल्फा प्लस आई बाहर हो गया फार्मूले इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और साइन आई को छोड़ के बाकी एंगल 2 बीटा बचा हुआ है उसको यहाँ पर हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करने के बाद लिख दीजिए 2 बीटा, 2 बीटा है ओनली हाइपरबोलिक 2 बीटा। डिनोमिनेटर में कॉस 2 अल्फ़ा है और प्लस यहाँ आई हटते ही ये कॉस हाइपरबोलिक बीटा में बदल जाएगा 2 बीटा में,
तो ये बिल्कुल रियल में अगर और इमेजिन में अलग अलग करके लिखना चाहें तो उसके लिए इसके अपान ये रियल पावर पोर्शन उसको अपान ये कर देंगे और ये अपान ये कर देंगे। तो अगले स्टेप में लास्ट स्टेप है और हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ गया, यानी टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा को लिखा जा सकता है साइन टू अल्फ़ा अपान में आ जाएगा कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा, और उसके बाद यहाँ पर आई को इस तरफ लिख लेंगे और अगला जो टर्म था यानी साइन हाइपरबोलिक टू बीटा उसके अपान में आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा कॉस टू अल्फ़ा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा। तो हमें टेन अल्फ़ा प्लस आई बीटा को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था, वो हो चुके हैं, ये रियल पार्ट आ चुका है और ये इमेजिनरी पार्ट आ चुका है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।